हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाई होती हैं अपने हेयर्स के ऊपर, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट, री बॉन्डिंग, एक्सटेंसो, डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद जो है फिर कुछ अरसे बाद, मैक्सिमम 3 to 4 months बाद जो है वो उनका यही प्रॉब्लम होता है, शिकवा रहता है कि भाई हमने ये इतनी महंगी ट्रीटमेंट करवाई थी और फिर 3-4 महीने बाद वैसे के वैसे ही हमारे हेयर्स जो है ना हो गए हैं। तो इतने पैसे ज़ाया करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ट्रीटमेंट्स को कोई भी, चाहे वो केराटिन हो, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करें आपके बालों पर और आपके बाल साथ ही साथ हेल्दी रहें और अच्छे रहें जिस तरह से फ्रॉम द डे फर्स्ट थे वैसे ही आपके रहें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी जो ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, वो लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी, साथ ही आपके हेयर में कोई डैमेज नहीं आएगा। तो टिल दी एंड बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखें, कोई भी ट्रीटमेंट आपने करवाई है तो आपने कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। नंबर 1 पॉइंट तो ये पॉइंट है कि जब भी आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवानी है उसके बाद से आपने अपने बालों में स्वेटिंग नहीं होने देना। मतलब गर्मी होती है या कुछ लेडीज़ अपने सर को बहुत टाइटली बांध लेती हैं, स्कॉफ कर लेती हैं, तो उसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए स्वेटिंग होना केराटिन ट्रीटमेंट अगर आपने करवाई है तो वो आपके केराटिन ट्रीटमेंट को जो है वो डैमेज करेगी और लॉन्ग टाइम तक आपकी केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चलेगी, आपके बालों में स्टे नहीं करेगी। क्योंकि केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स रिएक्ट करते हैं स्वेटिंग के साथ और फिर आपके बाल जो है वो पूरे तरीके से डैमेज होते हैं। तो वही कहती है ना, आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट 3-4 महीने बाद लेडीज़ को ये शिकवा रहता है कि हमारे बाल जो है ना और बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं ट्रीटमेंट्स के बाद। तो थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं और आपके बाल भी जो है वो हेल्दी रहते हैं। नंबर 2 पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। जब आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवा ली है ना अपने बालों पे, तो आपने कोई सा भी दुकान से उठाकर शैम्पू नहीं लेकर आ जाना और अपने बालों पर लगाना शुरू कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब भी शैम्पू अपने बालों पर यूज़ करना है, आपने सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो अपने बालों पर यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, क्योंकि सल्फेट फ्री यूज़ करेंगे तो ही आपके बाल जो है वो हेल्दी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और आपका केराटिन जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। फिर जो थर्ड थिंग है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि अक्सर लेडीज़ जो है ना अपने बालों को बहुत कसकर बांध लेती हैं, बहुत टाइटली जो है वो जूड़ा बना लेती हैं या बहुत टाइटली चुटिया बना लेती हैं। तो जब केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो ना, तो अपने बालों को कभी भी आपने बहुत टाइटली नहीं बांधना। टाइटली बांधने से आपका केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो डैमेज होगा और साथ ही साथ आपके बाल भी टूटेंगे, स्प्लिट एंड्स उसमें आएंगे और आपके बाल जो है ना वो रफनेस की तरफ चले जाएंगे। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेनी है उसके बाद से आपने अपने बालों को लूज़ ही छोड़ना है, इतना ज़्यादा कसकर नहीं बांधना है। फिर एक और बात है कि जो है ना अक्सर लेडीज़ जो है ना आफ्टर शावर लेने के बाद क्या करती हैं, जल्दी से जो है ना अपने बालों को खुश्क भी नहीं करती और जल्दी से टाइटली जूड़ा बना लेती हैं, गर्मी लग रही है, सेटिंग हो रही है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवा ली है ना भाई, तो फिर आपने ख्याल भी रखना है। जब केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो तो इस तरह से फ़ौरन शावर लेने के बाद अपने बालों को कसकर नहीं बांधना, बल्कि आपने जो है जितना जल्दी हो सके ना उनको ड्राई करना है, क्योंकि यही आपकी केराटिन ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है और आपकी केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगी। हो सकता है आपकी केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट भी स्टे करे, आपके बाल जो है इससे हेल्दी रहें, स्ट्रांग रहें और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो। बस
छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोगों ने ध्यान में रखना होता है, तो फिर ये ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हमें कभी भी नुकसान नहीं देती हैं। तो बस इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैरेटिन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग या कोई भी ट्रीटमेंट बारों से रिलेटेड है तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। साथ ही साथ आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी लेते रहना है ताकि आपके बालों को प्रोटीन भी मिलता रहे और आपके बाल जो है वो हेल्दी रहें। तो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जिन जिन लोगों ने भी कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाई है, ताकि उनकी कैरेटिन ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।